Hello everyone and welcome to Siksha guys. I hope every one of you is doing fine. So guys, आज एक बड़ा important topic करेंगे. छोटा सा topic है, okay? छोटा सा video होगा, लेकिन important है. We'll be learning about ICRI SAT. 2022 के अंदर बेटा 50 साल पूरे हुए हैं. 50th year की हम बात कर रहे हैं. तो definitely इसके अंदर से questions पूछे जा सकते हैं, चाहे वो objective हो और कहीं ना कहीं कुछ pointers आपको मिलेंगे जो आपका अगर paper सब्जेक्टिव है. जैसे अगर आप नबार्ड इस साल का, तो चलो पेपर हो गया नबार्ड ग्रेड ए का, अगर अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कुछ पॉइंटर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. ओके, एंड डेफिनेटली अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो, इवन कोई आप जनरल एग्जाम दे रहे हो जिसके अंदर आपका जीके का कॉम्पोनेंट है, देन डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. ओके, सो प्लीज ध्यान से इसको देखिएगा और वीडियो में ही चीजों को समझ लेने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा लटकाइएगा मत. ओके, एंड इसके अंदर आपको एक 2000 प्लस नॉन वीडियो कोर्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, एंड दिस कोर्स इज एट वेरी लो प्राइसेस. ओके, अगर आप देखो 50% कोड यूज करने के बाद आपको अराउंड 300 रुपीज का पड़ता है, पर ये आपको 300 रुपीज जो है दे आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ वैल्यू. ठीक है, जो आप एक्सपेंसिव कोर्सेज बाय करते हो उससे भी बहुत ज्यादा वैल्यू आपको ये नॉन वीडियो एमसीक्यू कोर्स ही दे देगा, क्योंकि सोल्यूशंस काफी डिटेल्ड है. डिटेल से हमारा मतलब ये नहीं होता कि जो कुछ मिला गंद डाल दिया, जो एग्जाम रेलिवेंट डिटेल होती है सिर्फ वो इसके अंदर आपको देते हैं हम. ठीक है, ताकि आप एक स्मार्ट वे में स्टडी कर सकें. तो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद ICRI SAT. सो सबसे पहले तो देखो, किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है. सो व्हाट डज ICRI SAT स्टैंड्स फॉर? इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स. इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स. देखो, वो दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है फुल फॉर्म्स के अंदर. आप जानते होंगे अगर आपने पहले कभी एग्जाम्स दिए हैं, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बता दूं, या तो वो पूरे का पूरा आपको दे देगा ICRI SAT और नीचे पांच ऑप्शंस में पांच फुल फॉर्म्स लिखे होंगे, उसमें से एक सही होगी, या फिर आपको वो बोल देगा कि यार ये ICRI SAT में व्हाट डज ए स्टैंड फॉर. ठीक है, कि भाई ए क्या है. ऑप्शन ए एरिड, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक, इस तरीके से कुछ भी ऑप्शंस दे देगा. ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म अच्छे से याद होनी चाहिए. ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मेन काम क्या है, एशिया जो कॉन्टिनेंट आपका और जो सब सहारन अफ्रीका वाला जो रीजन है वहां पर एग्रीकल्चरल रिसर्च करना, एंड इसके लिए मल्टीपल पार्टनर्स के साथ ये कोलैबोरेशन के अंदर काम करता है. इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो इंडिया के अंदर है. इंडिया के अंदर इट इज हेडक्वार्टर्ड इन हैदराबाद तेलंगाना. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा. इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं, जैसे माली में ऑफिस है, नाइजीरिया में है, नाइजर में है, कीनिया में है, मलावी में है, इथियोपिया में है, मोजम्बिक, जिम्बाब्वे, यहाँ पर इसके ऑफिसेज मिलेंगे. ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए पॉइंट यहाँ पर डाल दिया, इसको याद मत करना. याद आपने सिर्फ ये करना है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद के अंदर है इंडिया में. ठीक है, उसके बाद ICRI SAT हेल्प किस तरीके से करता है, दिस इज मोर फॉर यू नो द सब्जेक्टिव एलिमेंट. ठीक है, अगर आपको सब्जेक्टिव एलिमेंट के अंदर क्वेश्चन डालने हैं, या फिर जैसे अगर आपसे कोई सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की कोई प्रॉब्लम पूछ लेता है, तो ये जिस वे में हेल्प कर रहा है उसको थोड़ा सा घुमा करके आप उसको प्रॉब्लम बना सकते हो. कि यार कोई आपसे पूछ ले कि यार सेमी एरिड एरियाज की प्रॉब्लम क्या है, तो उसमें एक प्रॉब्लम आप डाल दोगे कि पॉवर्टी एंड हंगर की प्रॉब्लम है. या अगर आपसे कोई पूछ ले फिर सोल्यूशन क्या है, तो इसी को आप सोल्यूशन बना सकते हो. जो जिस वे में ICRI SAT हेल्प कर रहा है, तो वो भी एक तरह से आप सोल्यूशन में उसको कन्वर्ट कर दो. ठीक है, आप बस ICRI SAT का नाम हटा देना, इसको स्मार्ट प्रोसेस कहते हैं. उसमें आप लिख दोगे, सोल्यूशन में लिख दोगे कि भैया लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बनाते हैं हम. उस वो कैसे कि वहां पे जो लोग हैं वो अपने खुद के क्रॉप्स ग्रो कर पाए, हम कैसे फार्मिंग को प्रॉफिटेबल कर सके उस एरिया के अंदर. ठीक है, फार्मिंग टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स ऐसी लेकर के हैं जिससे उस एरियाज के अंदर आप अपने फार्म को, एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बना सको. ठीक है, उसमें आप टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स का एग्जांपल जो है दे सकते हो, कि ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर जो आप वेरियस टेक्निक्स जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह का एग्जाम्पल दे सकते हो. फिर आप बोल सकते हो कि यार मार्केट के साथ बेटर लिंकेज क्रिएट करना है ताकि फार्मर अपना प्रोड्यूस बेच पाए. ठीक है, उसके लिए आपको एग्रीकल्चरल बिजनेसेस को प्रमोट करना है. दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, माल न्यूट्रिशन, उसको सॉल्व कैसे करना है, कि आप न्यूट्रिशियस फूड को यहां पर लेकर के आ पाओ. ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड को लेकर के आओ जो रिच हो आयरन में, जिंक में, कैल्शियम में, प्रोटीन में, इन सब चीजों में रिच फूड जो है उसको लेकर के आओ. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के अंदर एक प्रॉब्लम है.
उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, रूरल कम्युनिटीज के साथ काम करेंगे। ठीक है, देखो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का एक सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये होता है, किसी भी टाइप की एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है ना, अगर क्वेश्चन कोई भी है तो उसके अंदर ये पार्ट जरूर डालना है कि रूरल पार्टिसिपेशन या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी जो वहां पर रह रही है उसकी इन्वॉल्वमेंट के बिना आप एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को नहीं रोक सकते। दूसरी प्रॉब्लम क्या है फिर, वुमेन का जो स्टेटस है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट के साथ। अब ICRISAT यहां पर किस तरीके से हेल्प करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है रूरल वुमेन को। ठीक है, उनको अफोर्डेबल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, क्रेडिट फैसिलिटीज और मार्केटिंग के अंदर हेल्प करता है, एग्री बिजनेस वेंचर सेटअप करने के अंदर हेल्प करता है। ओके, उसके बाद क्लाइमेट चेंज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, अगेन कम्युनिटीज की हेल्प यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, कम्युनिटीज की हेल्प भी चाहिए और कम्युनिटीज को हेल्प भी करना है कि ये जो स्ट्रेस है ड्राई लैंड एरियाज का उसको कैसे डील किया जाए। ठीक है, क्रॉप सिमुलेशन मॉडल्स लिए जाते हैं जहां पर उनको कैसे ड्राई लैंड सिचुएशंस के अंदर क्रॉप्स को ग्रो करना है उसका प्रैक्टिकल एक जो ट्रेनिंग है वो दिया जाता है। ओके, उसके अलावा वैल्यू चेन्स डेवलप करने हैं क्रॉप के लिए ताकि क्रॉप को आप बेटर मार्केट्स के अंदर सेल कर सको, बेटर फार्म मैनेजमेंट करना। डिजिटल एग्रीकल्चर की यहाँ पर बात हो जाती है कि कैसे आप एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन को इम्प्रूव कर रहे हो जिससे टाइमली इंफॉर्मेशन फार्मर्स को पहुंच पा रही है, जिससे आपकी जो डिलीवरी ऑफ टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो सेंट्रल गवर्नमेंट वेरियस इनिशिएटिव्स ले रहा है वो फार्मर्स तक पहुंच पाए। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे ICRISAT की इंडिया के अंदर। तो बेटा बेसिकली जो हेडक्वार्टर्स वगैरह का सारा सिस्टम है ना, इसके लिए MOU साइन हुआ था भारत सरकार के बीच में और एक आपका कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च आ जाता है जिसको हम CGIAR बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी अच्छे से याद रख लेना, 28 मार्च 1972 को ये हमने साइन किया था। एंड ओवर द ईयर्स इंडिया ने कंटिन्यूअसली सपोर्ट प्रोवाइड किया है ICRISAT को, फाइनेंशियल सपोर्ट हो वो चाहे या पॉलिटिकल सपोर्ट हो। अब ICRISAT का मेन टारगेट है कि कैसे पॉवर्टी, ड्रॉट और लैंड डिग्रेडेशन को टैकल किया जाए। इसके लिए ये चार वेज में अप्रोच लेकर के चलता है। सबसे पहले तो ये बोलता है कि यार हमें ऐसी क्रॉप्स ग्रो करनी है जो ड्रॉट टॉलरेंट हो, जो सूखे को टॉलरेट कर सके और जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस को टॉलरेट कर सके। ओके, उसके बाद रिप्लेस अफेक्टेड क्रॉप्स विद दोज दैट आर मोर ड्रॉट टॉलरेंट। अगर किसी रीजन में आप ऐसा कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हो जिसपे काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द सेमी एरिड कंडीशन, तो उसको रिप्लेस कर दो। ठीक है जी, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट एफिशिएंट होना चाहिए और साथ ही साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं रूरल एरियाज के अंदर उनकी एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आपको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़े, आपको जो रूरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बेटर करना पड़े या पॉलिसीज को बेटर वे में फॉर्मुलेट करना हो। अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखेंगे रिलेटेड टू सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है IBPS AFO के अंदर, क्योंकि उन्होंने डाटा रिलेटेड क्वेश्चन ना पहले के एग्जाम्स में भी पूछे हैं, तो हम ये सपोज करके चलते हैं कि ये आगे भी पूछा जा सकता है। ओके, सो सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया में अगर आप देखोगे, सबसे पहले अगर एक ग्लोबल व्यू लें तो ग्लोबली अराउंड 55 कंट्रीज के अंदर आपको ये सेमी एरिड ट्रॉपिकल एरिया जो है मिलेगा अराउंड 6.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, जहां पर अराउंड 2 बिलियन लोग रहते हैं। ठीक है जी, और इन 2 बिलियन में से 644 मिलियन ऐसे हैं जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं। ये जो रीजन होता है सेमी एरिड ट्रॉपिक वाला, इसके अंदर लो टू मीडियम रेनफॉल होती है, इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप नहीं होती और सॉइल भी कोई बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस सॉइल नहीं होता। इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया का 70% क्रॉप एरिया SAT के अंदर आता है, सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के अंदर आता है, तो अपने लिए तो देखो कितनी सीरियस ये एक बात है। ठीक है, और इसके अंदर पॉइंट्स देखो, ये जो रीजन है ये हिंदुस्तान की 40% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, और देश के अंदर जितना फूड प्रोड्यूस होता है उसका 45% प्रोडक्शन इन सेमी एरिड एरियाज में से होता है। 70% टोटल क्रॉप एरिया इंडिया का क्या है, सेमी एरिड ट्रॉपिक है। 40% देश की पॉपुलेशन इन एरियाज के ऊपर डिपेंडेंट है और 45% टोटल प्रोडक्शन का आपके सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में से आता है। ओके, और अब जो एक हिला देने वाली बात है, जो चौंका देने वाली बात है, इंडिया के जो सबसे गरीब लोग हैं ना वो इन्हीं सेमी एरिड ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर रहते हैं, जो पानी की शॉर्टेज फेस करते हैं, रिकरेंट ड्रॉट्स, बार बार सूखे की प्रॉब्लम जिनको देखने को मिलती है। ठीक है जी, और इसी वजह से क्योंकि यहां पर लोग गरीब हैं,
उनके पास इन्वेस्ट करने को कुछ नहीं है, बेटर टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, सॉइल कोई बहुत अच्छा नहीं है। इसी वजह से जो लार्ज पार्ट ऑफ सेमी अरिड एरियाज है ना इंडिया के अंदर आज भी, वहां पर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है। तो वो ना एक विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी बन गया है, वो पहले से गरीब है, अब आगे भी प्रोडक्शन हो नहीं रही, ठीक है, तो वो गरीबी का चक्र जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। और ना तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्योंकि गरीब है तो इन्वेस्ट करने को पैसा नहीं है, और क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है तो वो गरीबी में ही रहेंगे, ठीक है। तो ये तभी तो हम कहते हैं ना चक्का चल रहा है, ये गोल गोल इसी तरीके से घूमता रहेगा, ठीक है जी। उसके अलावा इंडिया के अगर हम सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की बात करें, हम बोलते हैं कि यार यहाँ पर सोरगम, मिलेट, काउपी, चिकपी, पिजन पी और ग्राउंड नट, ये वाइटल क्रॉप्स हैं जो इन एरियाज के अंदर जो रहने वाले लोग हैं जो बेसिकली कंज्यूम करते हैं, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट सेमी एरिड ट्रॉपिक्स एंड ICARISAT। ऐसे कोई बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल गए हैं एक छोटे से क्रिस्प से वीडियो के अंदर, जो आपको एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। विद दिस वी विल एंड दिस लेक्चर। PDF आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, टेलीग्राम के ऊपर ना एक लिंक डाला हुआ है हमने, ठीक है, वेबसाइट पे, वहां पर फ्री PDF एक स्पेस पे आपको मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर और बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं हमारी टेलीग्राम पर, ठीक है जी। एंड किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। बट वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा अच्छा बता देना, गंदा लगा गंदा बता देना, कोई कमी हाईलाइट करना चाहते हो कमी हाईलाइट कर देना, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको जरूर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।